हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना ईथर कंप्लीट हो गया था। थायो ईथर कंप्लीट होने के बाद आज स्टार्ट करेंगे सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में अंतर है। देखो, सल्फोनिक एसिड का मतलब है कोई एल्किल ग्रुप के साथ SO3S जुड़ा हुआ होगा, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या होगा, H2SO4 होता है अपना सल्फ्यूरिक एसिड। या अपन कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड्स के व्युत्पन्न देखने वाले डेरिवेटिव होता है सल्फोनिक एसिड। ये होता है जब कोई रियल, यानी कि ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या अपना कार्बनिक सॉल्वेंट है। कार्बनिक सॉल्वेंट्स में अगर एक OH को रिप्लेस कर दिया R के साथ तो ये होता है अपना सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ये एक तरीके से इसका डेरिवेटिव ही होता है। ओके, सल्फोनिक एसिड देखेंगे। सल्फोनिक अम्ल होता है कि अपने पास मान लो ये H2SO4 H2SO4 के अंदर क्या किया जाए, अगर R से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, कोई एल्किल समूह ले दे, OH का प्रतिस्थापन कर दे, R के साथ रिप्लेसमेंट कर दे, यानी कि OH को हटा दे और R को अपन ऐड कर दे, तो ये अपना सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर फॉर्मूला देखें तो अपना ये होता है SO3H, यानी कि RSO3H, तो इसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड। और जब इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इसका प्रतिस्थापन करने के बाद में क्या बनेगा अपने पास, SO4 और ये OH। तो ये हमें क्या है, एक तरीके से ऑर्गेनोसल्फरी होता है, क्योंकि कार्बन चेन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सल्फर जुड़ा हुआ है। इसे अपन अगर यहाँ मेथिल समूह हो CH3, तो ये हो गया अपना ऑर्गेनोसल्फर। ओके, ऑर्गेनोसल्फर ये होता है ऑर्गेनोसल्फर। इसके अंदर क्या होता है कि दो, इसके अंदर C डबल बॉन्ड OH होता है, इसमें से OH को रिप्लेस किया, R से कोई भी R ग्रुप हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है। उसका रिप्लेसमेंट करने के बाद में जो मिलेगा अपने को वो होता है ऑर्गेनोसल्फर या सल्फ्यूरिक एसिड। एक होता है एलिफेटिक सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनिक एसिड और एक होता है एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। ओके, तो अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे इनके बनाने की विधियाँ, कि किस तरीके से सल्फोनिक एसिड का निर्माण किया जा सकता है, और फिर देखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो बनाने की विधियों में तो एक तो प्रतिस्थापन देख लिया कि अपन OH का प्रतिस्थापन R से कर दे तो अपने पास सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। दूसरा मेथड है कि अगर अपन किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम सल्फाइड के साथ करवा दे तो अपने को क्या प्राप्त होता है, सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। ओके, अगर एल्किल समूह के साथ आपके क्या जुड़ा हो, SO3 जुड़ा हुआ हो, उसे अपन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। तो अपना सल्फोनिक एसिड होता है कि अगर एल्किल समूह के साथ SO3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, या तो ये एरोमेटिक हो सकता है और या ही एलिफेटिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। इसे SO3H जुड़ा हुआ होगा उसे अपन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। अब बात आती है बनाने की विधियाँ, तो अपन पहले पढ़ेंगे एल्किल, है ना, एल्किल सल्फोनिक एसिड, यानी कि अपन कह सकते हैं एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड पढ़ेंगे पहले। अब एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड में फर्स्ट मेथड है अपना, अगर सोडियम सल्फाइड से निर्माण करेंगे अपन। सोडियम सल्फाइड का मतलब हो गया आपके कोई एल्किल ग्रुप, कोई एल्किल हैलाइड लेंगे CH3 CH2 और ये हो गया Br। ओके, इसकी रिएक्शन करवाएं अपन Na2SO3 के साथ। Na2SO3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा अपने पास, इसमें से Br और ये Na तो निकल जाएगा बाहर, तो ये हो गया NaBr, तो बाहर निकल जाएगा। ओके, और जो बचेगा वो अपने पास ऐड हो जाएगा, वो CH3 CH2 S डबल बॉन्ड O Na रह जाएगा। ओके, तो ये प्लस चार्ज में होगी, माइनस चार्ज का है ना, केवल चार्ज सेपरेशन किया है, या हमारा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही रहेगा ना, सेपरेशन करेंगे। अब अगर इसकी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएं, यानी कि H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं, तो क्या होगा अपने पास, H+ की रिएक्शन, यानी कि कोई भी एसिड हो सकता है आपका, HCl ले लो, है ना, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो क्या हो जाएगा, NaCl
बाहर निकल जाएगा और ये एच होगा जो ऑक्सीजन के पास ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सल्फोनिक एसिड के निर्माण की सेकेंड मेथड। ओके, ओ एच प्लस एन ए सी एल। तो इस मेथड को अपन कह सकते हैं, अगर एल्किल हैलाइड की सल्फोनिक सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये दो स्टेप में होगा आपका मेथड। फर्स्ट मेथड अपना होगा प्रतिस्थापन हो गया, सेकंड मेथड हो गया अपना अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, एल्किल हैलाइड हैलाइड प्लस सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन, सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन। ओके, ये हो गया सेकंड मेथड। अगर अपन एल्किल ब्रोमाइड है ना, कोई भी ब्रोमाइड हैलाइड कोई सा भी ले सकते हैं, उसकी रिएक्शन सोडियम सल्फाइड के साथ करवाई जाती है तो NaBr तो अपना निकल जाएगा बाहर, फिर वापस से इसको इस बनेगा ये प्रोडक्ट अपना, यानी कि सोल्ट बनेगा ये सोल्ट अपना ना। तो सोल्ट बनने के बाद में इसका वापस से इसका क्या करवाए, अगर किसी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या होगा, जो सोल्ट यानी कि जो सोडियम है वो तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ अपने को सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपना होगा एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड है अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन बाई सल्फाइड के साथ करवाई जाए, है ना, एल्किल हैलाइड की बाई सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, सेम प्रोसेस है बस थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर बाई सल्फाइड के साथ करवाई जाए, बाई क्या होगा, बाई सल्फाइड का मतलब एच एन ए SO3, ओके, यही फॉर्मूला है H यानी SO3। इसमें से क्या होगा, Br रिमूव होगा और यहाँ एड कौन सा होगा, ये ग्रुप होगा और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या होगा, HBr तो रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ओके, माइनस HBr बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या अपने पास, CH3, CH2, SWO, WO, OL। यही है सेम प्रोसेस, वापस से इसका क्या कराएंगे अपन, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएंगे, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, सोडियम तो बाहर निकल जाएगा HCl के साथ करवाएंगे सेल के और ये एच आके ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया अपना वापस से सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो गया। दोनों मेथड सेम सेम है आपके, कोई डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट मेथड में अपन ने क्या किया, सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाई, सेकेंड मेथड में क्या किया, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो बाई सल्फाइड के में यहाँ से क्या होगा, HBr निकलेगा और वहाँ क्या निकला था, NaCl या NaBr, NaX कुछ भी निकल सकता है, जो हाइड्रोजन लेंगे वो ही बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका सल्फोनिक एसिड। तो दो मेथड, तीन मेथड हो गए अपने, एक तो प्रतिस्थापन हो गया यानी कि रिप्लेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू कर सकते हैं, सेकंड हो गया सल्फाइड के साथ यानी कि सोडियम सल्फाइड के साथ, और थर्ड मेथड है एल्किल हैलाइड के सोडियम बाई सल्फाइड के साथ रिएक्शंस। ओके, तीन मेथड अपन ने कर लिए। अगर देखा जाए कि सल्फोनिक एसिड के निर्माण की विधियाँ बताइए, है ना, तो ये ईजी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट रिएक्शन है आपके एल्कीन की सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि एल्कीन एल्कीन की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन। ओके, एल्कीन प्लस बाइसल्फाइड है ना, NaH SO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ओके, एल्कीन की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। किस तरीके से होगी, देखो आपको एल्कीन लेनी है CH2 सल्फोनिक एसिड क्या होता है, अपने पास इस फॉर्मूले को अपन खोल के देखें तो क्या होगा, ओ एस डबल ओ ओ एन, ये होता है। अगर इस सल्फोनिक एसिड सोडियम बाइसल्फाइड को क्या किया अपन ने खोल के लिखा तो ये प्राप्त होगा अपने को, इसकी एल्किन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, एच मुँह होगा, है ना, ये बॉन्ड तो ये प्लस में रहेगा, तो इसमें क्या होगा, अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ कौन सा, यानी कि अगर इस बॉन्ड को क्या करें अपन, अपने को क्या मिलता है, अगर इसका ब्रेक करवाते हैं तो एच प्लस ओ माइनस चार्ज हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया ओ एन,
और अगर ये बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए तो इसमें क्या अभी भी नॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑक्सीजन और ये मिलेगा। तो इसमें लॉन्ग पेयर प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, इसके प्लस चार्ज को देंगे तो यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा, और ये एच प्लस किस पे आएगा, एच टू माइनस वाले पे आ जाएंगे, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा अपने को, सी एच थ्री एस सी एच टू, और ये हो गया आपका सल्फोनिक एसिड सॉरी सॉल्ट, ये प्राप्त हुआ। अगर इसके रिएक्शन आगे फर्दर रिएक्शन करवाएं किसकी प्रेजेंस में, एच प्लस की प्रेजेंस में, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में, आपके जो भी बाइसल्फाइड की रिएक्शन है, सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन है, मोस्टली पहले जो अपने पास अगर एल्किल हैलाइड ले रहे हैं या एल्किल ब्रोमाइड एल्किन ले रहे हैं, तो सब में क्या है आपके सोल्टी बन रहा है, सोल्ट बनने के बाद में क्या किया अपने इसका एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तब जाके अपने को क्या मिला, सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। तो एच प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने के बाद अपने को क्या मिला, सी एस थ्री सी एस टू एस डबल वन ओ एस डबल वन ओ ओ एच, ये मिला है ना, ये हो गया अपना सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो गया और NaCl जो है बाहर निकल गया। ओके, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा रहे। अब बात आती है कि अपन सल्फोनिक एसिड्स की किस और किस तरीके से बना सकते हैं, तीन मेथड देख लिए अपन ने, एक तो एल्किल हैलाइड के रिएक्शन सोडियम सल्फाइड के साथ करवाई, दूसरी अपन ने एल्किल हैलाइड की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करवाई, तीसरी अपन ने एल्किन की सोडियम सल्फाइड के सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करवाई। अब करवाएंगे रिएक्शन अपन एल्डो सॉरी कीटोन और एल्डिहाइड के रिएक्शन करवाएंगे सोडियम बाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो सेम प्रोसेस है। ओके, कीटोन की रिएक्शन, कीटोन और एल्डिहाइड की रिएक्शन, कीटोन एल्डिहाइड की रिएक्शंस किसके साथ करवाएंगे, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, प्लस सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। ओके, कीटोन की सबसे पहले अपन कीटोन की रिएक्शन करवा रहे हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हो गया आर डेस। ओके ओके, इसकी रिएक्शन करवा रही है कीटोन, अगर इसे सीधे से लिखा जाए तो ये अपना हो गया कीटोन। ओके, अगर इसकी रिएक्शन करवाए अपन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ये हो गया सोडियम बाइसल्फाइड ओ एन। ओके, ये है इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, ये बॉन्ड मूव होगा पाइप है ना, और यहाँ से क्या होगा, ये मूव होगा, ये अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, हाइड्रोजन अटैक करेगा, तो ये बन गया अपने पास आर सी ओ एच, और इस आर डेस को नीचे लिख देते हैं, और जो अपने ग्रुप है सल्फर से साथ अटैच होगा, तो ये हो गया अपना सल्फोनिक एसिड ओ एन ए। अब वापस से क्या करवाएंगे अपन, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएंगे, तो ये एच प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा रहे हैं इसकी, तो क्या होगा वापस से, ये लिख देती हूँ मैं, तो ये एच अपने को प्राप्त हो जाएगा। ओके, यही है अपना, अगर कीटोन की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करवाई जाती है तो सेम प्रोसेस है जो पहले अपन ने किया, बस यहाँ क्या होगा, एच प्लस किस पे अटैक करेगा, OH ऑक्सीजन पे, यानी कि OH बन जाएगा, एल्कोहलिक समूह प्राप्त होगा। तो है तो सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का अपन ने क्या मतलब जाना है कि कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा, SO3H ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उससे अपन सल्फोनिक एसिड कहते हैं, आगे कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन अपना सल्फोनिक एसिड तो यही है ना, तो ये हो गया सल्फोनिक एसिड। अब करवाएंगे अपन एल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। ओके, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं आर सी एच, नीचे लिख देते हैं ऑक्सीजन ऊपर बस। ओके, तो इसकी रिएक्शन करवाए एच ओ एन। ओके, इसके साथ करवाएंगे तो क्या होगा, वो सेम प्रोसेस होगा, और यहाँ से क्या होगा, और इस पे मूव करेगा पाइप बॉन्ड, मूव करने के बाद में क्या बनेगा अपने पास आर सी ओ एच, और ये बन जाएगा एच, और ये हो गया अपना पास ओ सॉरी सल्फर, ये हो गया ओ एन, ये होगा। ओके, अब वापस से इसके क्या करवाएंगे अपन, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे,
थे, इसमें रिएक्शंस करवाई। रिएक्शन करवाने के बाद में क्या मिला अपने को, आर ओ एच एच और यहाँ से एच डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस एन ए सी एल, या एन ए प्लस के रूप में रखते हैं। कोई भी आके जो भी एसिड होगा उसके साथ ही ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये हो गए अपने पास कीटोन और एल्डिहाइड से भी अपन ने क्या किया, सल्फोनिक एसिड बनाने की विधि देख ली है। अब नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं अपन। थायोल का ऑक्सीडेशन करवाया है ना, थायोल का ऑक्सीडेशन करवाने के बाद में क्या होगा, अपने को सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट में तो देखते हैं अपन, नेक्स्ट मेथड है अपना अगर थायोल का क्या करवाएं, ऑक्सीडेशन। थायोल नाम सुना हुआ है आपका, थायोल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीकरण। थायोल क्या होता है अपने पास, आर एस एच ये होता है, इसका अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ऑक्सीडेशन आपके क्या हो सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिएजेंट लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिएजेंट क्या करेगा, इनका ऑक्सीकरण करेगा। तो ये कन्वर्ट किस में करेगा, आर एस ओ एच में कन्वर्ट करेगा। फिर बाद में इसका फिर से फर्दर ऑक्सीकरण करवाए, फर्दर ऑक्सीकरण करवाने के बाद में क्या होगा, फिर से ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऐड होगा। तो ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या बनेगा, आर एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच बनेगा। और फिर से इसका क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाते हैं। ऑक्सीकरण करवाने के बाद में को क्या मिलता है, आर एस ऑक्सीजन, फिर से ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी अपने पास, ये प्राप्त हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। ओके, अगर अपन थायोल का ऑक्सीकरण करवाएं, कोई भी ऑक्सीडाइज रिएजेंट ले लें, यहाँ ऑक्सीडाइज रिएजेंट केमेनोफोर भी हो सकता है अपने पास, केमेनोफोर भी हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, H2O2 भी हो सकता है। ओके, ये होते हैं अपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिएजेंट। और अगर अपन इसकी रिएक्शंस और नेम के दो, अगर इसका ऑक्सीकरण और तरीके से करवाएं, दूसरा यानी पार्ट फर्स्ट तो ये है ना, ये कह सकते हैं प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस तो ये, केस फर्स्ट तो ये है, केस फर्स्ट के अंदर तो क्या क्या अपन ने डायरेक्ट ऑक्सीकरण करवाया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दो पॉसिबिलिटी है जब थायोल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो दो प्रकार से सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। फर्स्ट में अपन ने ऑक्सीडेशन करवाया, सेकेंड में भी ऑक्सीडेशन ही करवाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, आपके पास दो मॉलिक्यूल आर एस के लेंगे, यानी कि थायोल के दो मॉलिक्यूल लेकर ऑक्सीकरण करवाएं तो अपने को क्या मिलता होगा वो देखते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या किया, थायोल के ऑक्सीकरण में क्या किया, डायरेक्ट आर एस एच यानी केस फर्स्ट ले रहे हैं, अगर थायोल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज होती है कि इसके ऑक्सीकरण से सल्फोनिक एसिड कैसे प्राप्त होता है। फर्स्ट में अपन ने क्या किया, डायरेक्ट थायोल या थायोल का ऑक्सीकरण करवाया, ऑक्सीकरण करवाने के बाद में अपने को आर एस ओ एच ग्रुप मिला, वापस से उसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या होगा अपने पास, आर सी डबल ओ एच यानी सल्फिनिक एसिड मिलेगा, सल्फिनिक एसिड है ये, है ना। और फिर वापस से करवाया तो सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अगर दो सेकंड मेथड है अपना, सेकंड मेथड में अपन ने क्या किया, इसके दो मॉलिक्यूल लिए थायोल के, है ना, एस सेकंड, तो दो मॉलिक्यूल लिए तो क्या बनेगा अपने पास, आर एस एस एल आर ये प्राप्त होता है ना, साथ में ऑक्सीकरण भी लिख देते हैं यहाँ, ऑक्सीडेशन ही है। तो दो प्रकार से ऑक्सीजन, जब अपन रिएक्शंस कर रहे थे थायोल के ऑक्सीकरण की तो अपने पास एक ग्रुप प्राप्त हुआ था, जबकि एल्कोन में ऐसा प्राप्त नहीं होता है, वहाँ क्या बनता है, एल्डिहाइड समूह बनता था। तो इसका ऑक्सीकरण करवाने के बाद में अपने को ये मिला, अब इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा आपको, आर एस डबल ओ एस डबल ओ और ये आर, वापस से इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, वापस से ऑक्सीजन ऐड होगा, तो ये बनेगा अपने पास आर एस डबल वन ओ एस डबल ओ, ये बन गया अपने पास ओ या। फिर से इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बन रहा है, ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अब कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है इसके ऑक्सीडेशन में, अब कहीं भी ऑक्सीजन ऐड नहीं हो सकती, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होके यहाँ ओएच ओएच समूह ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आर एस डबल वन ओ एस डबल वन ओ ओ
OH प्राप्त हो गए, दो मॉलिक्यूल। ओके, दो मॉलिक्यूल अपन ने थायराइड के लिए, तब जाके दो मॉलिक्यूल अपने को क्या प्राप्त होते हैं, सल्फोनिक एसिड के प्राप्त हो गए। तो फर्स्ट केस में था अपने डायरेक्ट थायराइड का एक मॉलिक्यूल लिया, उसका ऑक्सीडेशन करवाया तो सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो गया। लेकिन सेकेंड केस में क्या किया अपन ने, दो मॉलिक्यूल थायराइड के लिए फिर इसका ऑक्सीकरण करवाया। जब अपन थायराइड के ऑक्सीकरण के रिएक्शंस देख रहे थे, अपने पास इसी तरीके से बना था है ना, तो इसका ऑक्सीकरण करवाने के बाद में वापस से क्या प्राप्त होगा, अपन दो मॉलिक्यूल ही सल्फोनिक एसिड प्राप्त होते हैं। ओके, तो ये थी अपने पास जितनी भी रिएक्शंस थी कि सल्फोनिक एसिड्स का निर्माण किस तरीके से होता है। ओके, एलिफेटिक तो अपन ने देख ली, एलिफेटिक रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड का निर्माण कैसे होता है। एक रिएक्शंस आपकी सबकी पड़ी हुई है, जब अपन सल्फोनिकरण करवाते हैं यानी कि नाइट्रोजन सल्फोनिकरण, वो रिएक्शंस देखते हैं। बेंजीन का सल्फोनिकरण करवाने पर अपने पास क्या होता है, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। ये रिएक्शंस आपकी सबकी देखी हुई है। इलेवंथ से आ रही है हेलोजनीकरण, सल्फोनिकरण, फेटल कॉन्ट्रैक्शंस, ये साथ साथ ही आती थी हमेशा। तो ये रिएक्शंस ही अब देखेंगे अपन। इतनी जो अभी तक अपन ने देखी है वो क्या है, आपकी एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड है। अब देखेंगे अपन इतनी देर देखी थी अपन ने एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड था है ना, अपन ने एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड के निर्माण की विधियां देखी थी, आप देखेंगे एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड का निर्माण। ओके, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन सबकी देखी हुई है, सबकी मैकेनिज्म भी देखी है, सबको आती है ना, तो मैं मैकेनिज्म नहीं करूंगी, केवल डायरेक्ट रिएक्शंस लिखवाऊंगी। ओके, तो अपने पास है एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड का निर्माण, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड का निर्माण, सल्फोनिक एसिड का निर्माण, अम्ल का निर्माण। एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड का निर्माण में क्रिया से पहले क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाएंगे अपन, SO4 से करवाएंगे है ना, तो अपने को क्या मिल जाएगा, सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, ये SO3H प्राप्त हो जाएगा। ओके, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा आपके, H2 रिमूव हो जाएगा बाहर, H2SO4 की रिएक्शंस करवा रहे हैं तो अपने को क्या, प्लस H2O। ओके, तो ये निकल जाता है बाहर और अपने पास क्या हो जाता है, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। जब बेंजीन की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। ओके, तो अपन ने जो रिएक्शंस थी वो कंप्लीट कर ली है, यानी कि निर्माण की विधियां तो देख ली है कि सल्फोनिक एसिड का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। अब देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे क्या होता है। देखो, ये आपके एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गाढ़े द्रव होते हैं, द्रव होते हैं लेकिन गाढ़े होते हैं ना, कह सकते हैं कि इनकी विस्कोसिटी क्या होती है, सबसे हाई होती है। ओके, विस्कोसिटी हाई होने का मतलब हो गया कि जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है उसमें क्या, फ्लो करने की दर सबसे कम होती है। जैसे सेहत की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फ्लो करने की दर भी क्या होती है, सबसे कम होती है, जबकि लिक्विड की विस्कोसिटी सबसे कम होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो विस्कोसिटी हम शांता ना, तो अब देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। फर्स्ट है कि किसी प्रोटीन, जो एलिफेटिक अपने पास सल्फोनिक एसिड है, एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, द्रव होते हैं, गाढ़े की कोई जरूरत नहीं, द्रव होते हैं, बस इतना याद रखना। और जो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड होते हैं, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड होते हैं, वो कैसे होते हैं आपके, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं यानी कि ठोस होते हैं, तो अपन कह सकते हैं क्रिस्टल ठोस या क्रिस्टल हो सकते हैं। ओके, ये हो गए क्रिस्टल फॉर्म में। ओके, ठोस होते हैं, ब्रैकेट में लिख देना ठोस। और ये इनकी सोलिबिलिटी देखी जाए तो क्या होता है, वाटर के अंदर तो डिजोल्व हो जाते हैं, जबकि आपके किसमें, कार्बनिक सोलवेंट में अविलय रहते हैं है ना, तो वाटर में तो डिजोल्व हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं विलयता सोलिबिलिटी, जल में विलय होते हैं। ओके, और कार्बनिक सॉल्वेंट्स में या विलायक में अविलय होते हैं,
इनकी ध्रुवीयता सबसे ज्यादा होती है, यानी कि इनका डाइपोल्स देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, बहुत ज्यादा होता है इनका। और तो ये हो गई अपनी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, अब देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि सल्फोनिक एसिड से क्या क्या बनाया जा सकता है। ओके, अब अपन देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखने से पहले इनका एसिडिक नेचर देखेंगे कि इसका एसिडिक नेचर किस तरीके का होता है, इनकी अम्लीय प्रकृति किस तरीके की होती है। जब ही अपन इनकी केमिकल रिएक्शंस बता पाएंगे कि केमिकल रिएक्शंस आपकी फास्ट होगी या स्लो, है ना, स्लो होगी। तो देखो, सल्फ्यूरिक एसिड की तुलना की जाए सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, क्यों क्यों होता है, कारण देखते हैं। अपन अगर बताते हैं कि कोई अपने पास एक तो CH3COOH है, एक HCl है, है ना, दोनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया, अपना HCl है, क्योंकि ये इजीली H+ प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है, जबकि आपके CH3COOH के अंदर क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करता, प्रोटॉन डोनेट नहीं करता है, तो अपन बताते हैं कि वो आपका वीक एसिड है। तो अगर अपन सल्फोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की तुलना करते हैं कि सल्फोनिक एसिड क्या होता है, अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कंपेयर किससे करें, सल्फ्यूरिक एसिड से। ओके, अम्लीय प्रकृति देखेंगे अपन, इसकी अम्लीय प्रकृति एसिडिक नेचर देखेंगे, एसिडिक नेचर के अंदर क्या होगा कि जो अपना सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो क्या करता है, H+ इजीली रिमूव कर देता है, किस तरीके से, ये हो गया OH, तो इसमें क्या होगा आपके, इसमें H+ इजीली रिमूव करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है इसका भी और इसको, इससे मिल रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, इजीली H+ निकल जाएगा, सॉरी H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड में इजीली H+ बाहर निकल रहा है। कंपेयर करें तो है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वो भी अगर दूसरे एसिड की तुलना की जाए H2SO4 की, तो है स्ट्रॉन्ग वो भी अपनी जगह, लेकिन कंपेयर अगर अपन सल्फोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये अगर कंपेयर करें अपन H2SO4 के साथ, तो ये हो गया सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अपन कह सकते हैं ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, बट ये क्या होता है, वीक एसिड होता है, वीक एसिड। देखो अपन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ कोई सभी के लिए ये लागू नहीं होता है कि अगर आप किसी जैसे H2SO4 की तुलना CH3COOH से कर रहे हो, एसिटिक एसिड से कर रहे हो ना, तो वहाँ ये क्या होगा, ये H2SO4 वहाँ स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि यहाँ क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये H+ इजीली रिमूव करता है इसकी तुलना के अंदर, H+ इजीली देता है, तो क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओके, ये हो गया अपना इनका एसिडिक नेचर, देख लिया कि कौन सबसे कौन कितना एसिडिक है। ओके, तो अब देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ इनकी केमिकल रिएक्शंस और हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है।